दोस्तों BGMI की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट बाहर निकल कर आई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि BGMI प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया था, तो वो क्यों हटाया था उसको ऊपर तो मैंने वीडियो बना ही दिया था। अपडेट आई है बाहर निकल के, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और साथ में बता भी दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्राफ्टन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और गूगल के तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। तो वो क्या है और एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो हम लोगों का BGMI गेम है ना, वो बैन नहीं हुआ। ओके, ये अभी टेक डाउन हुआ है। तो यूट्यूबर लोग या फिर यूट्यूब में कह रहे हैं कि यार अनबैन हो, बैन हो गया है, बैन हो गया। तो भाई साहब, बैन ये टेक डाउन हुआ, सर्वर बंद कर दिया गया है। ओके, क्योंकि BGMI इंडिया के अलावा और कहीं पर भी गेम प्ले नहीं हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर पूरा माजरा क्या था। तो यहाँ पर देखिए, एक गूगल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। तो यहाँ पर मतलब कि गूगल BGMI जो प्लेयर्स उन लोगों को मतलब सपोर्ट में कर रहा है और कुछ भी यहाँ पर बताया है। तो यहाँ का मामला आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से एक बार कि भाई बहुत सारे लोग बैन कर रहे हैं, बैन बता रहे हैं कि बैन हो गया, बैन हो गया। अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि बैन हो गया, ये टेक डाउन हुआ। ओके, तो टेक डाउन में भाई क्या होता है कि सर्वर बंद कर दिया जाता है। और ऐसे में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ऐसे में क्या होगा कि मतलब कि जो अगर आपने डाउनलोड कर लिया है BGMI तो आप गेम प्ले कर सकते हैं, बट जो न्यू यूज़र है, सपोज़ मैंने डाउनलोड नहीं किया है और मैं अभी डाउनलोड करना चाहता हूं, तो भाई मैं अभी डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। मतलब न्यू यूज़र जैसे गेम प्ले ना कर पाए। ओके, तो आई होप ये मामला आपको समझ में आया होगा। तो एक और स्टेटमेंट है गूगल का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, गूगल का एक और स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर मौजूद है। तो वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गूगल ऑफिशियल्स नॉट क्राफ्टन द डेवलपर्स ऑफ द गेम हैव कम अप विथ एनी स्टेटमेंट्स एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द BGMI बैन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। मतलब कि गाइज, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गूगल की तरफ से और क्राफ्टन की मतलब कि क्राफ्टन की तरफ से कोई भी मतलब ऑफिशियल जानकारी बयान आया नहीं है, और ना ही सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी कोई भी ऐसा मामला पेश नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारा अफवाह है, तो अफवाह पे ध्यान मत देना। ओके, इस यहाँ पर अब मैं क्राफ्टन का स्टेटमेंट मैं आपको शो कराता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर रहा है क्राफ्टन की तरफ से। तो यहाँ पर क्या मामला है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्राफ्टन बता रहा है, बोल रहा है कि मतलब वो इंडिया के जितने भी सारा कानून है वो सभी को मानकर चलता है। और जैसा कि डाटा वाला जो प्रॉब्लम, जो सभी कोई कहते हैं कि डाटा लीक हो जाता है, तो यहाँ पर डाटा को लेकर ये बहुत ही नियम पालन करते हैं। ये बता रहा है यहाँ पर कि हम लोग जो है और मेरे जो टीम है वो लोग डाटा को गोपनीय मतलब छिपा कर रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, जिससे किसी को पता ना चले, लीक ना हो। और इंडिया के जितने भी नियम है सभी नियम को मानकर चलते हैं। और इंडिया के जो मार्केट है उस पर तो हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी नहीं करते हैं। तो मतलब क्राफ्टन की तरफ से खुल्लम खुल्ला यहाँ पर वो चुनौती दे रहे कि हम लोग सही है, हम लोग से कोई गलती नहीं हुआ है। मतलब कि गाइस, क्राफ्टन यहाँ पर एकदम मजबूत खड़े है और कह रहे हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही सबर रखोगे। ओके, तो यहाँ पर पूरा मामला ऐसा कुछ शो कर रहा है। और एक यहाँ पर मतलब स्टेटमेंट है, वो भी आपको दिखाता हूँ क्राफ्टन की तरफ से। तो वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर शो कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर जो क्राफ्टन की तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्राफ्टन हम सभी को धन्यवाद कर रहा है, थैंकू बोल रहा है और बता रहा है कि हम लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत जो दिया है और स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो प्यार और मोहब्बत बनाए रखे है, तो उसके लिए क्राफ्टन यहाँ पर हम सभी का शुक्रिया अदा कर रहा है। और उम्मीद ये कर रहा है कि आप सभी लोग मतलब आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आगे भी ऐसा ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ है, बट उसके नीचे भी और कुछ लिखा हुआ है।
गाइस क्लाफ्टन यहाँ पर आगे कहते हैं कि जो मौजूदा हालात यहाँ पर पेश आया है, तो ऐसे में आपको संतुलन बनाए रखना है, सब्र करना है, और जो नेक्स्ट अपडेट वो खुद आकर आपको बताएंगे, और यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर क्लाफ्टन आपको बहुत सारा मतलब हिम्मत दे रहा है और बता रहा है कि हम लोग नफ़रत का बढ़ावा नहीं करते हैं, प्यार भाईचारे में विश्वास रखते हैं। ओके, और जो अपडेट बाहर निकल कर आएगा वो सबसे पहले हम सभी को बताएंगे। तो ऐसे में आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेरा अपडेट का इंतज़ार कीजिए और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। तो यहाँ पर मैं आपसे सीधा सवाल और सीधा एक बात कहना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर पूरा मामला क्या था। गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जैसा कि आपको पता होगा कि पबजी पहले बैन हुआ, तो पबजी के बारे में जैसा कि गलती किया था उन लोगों ने, बट ये जो गेम यहाँ पर हुआ है BGMI वापस बनकर आया है, तो ये ओनली इंडिया के लिए है। ओके, तो इंडिया में भाई साहब इंडिया का सर्वर अगर बंद कर देगा, अगर आप VPN भी यूज़ करोगे ना तो गेम प्ले नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर बैन नहीं हुआ है, ये टेक डाउन हुआ है। ओके, आई होप ये मामला आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर सर्वर बंद कर दिया गया है, जो BGMI का जो सर्वर है उसे बंद कर दिया गया है ताकि कोई गेम प्ले मतलब कोई डाउनलोड ना कर सके आप। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कल भी कुछ अपडेट बाहर निकल कर आ सकता है, और 14 दिनों के अंदर यहाँ पर अगर ये प्ले स्टोर में आ जाएगा BGMI या फिर पूरा ऑफिशियल बैन हो जाएगा। तो हो सकता है 15 अगस्त के दिन यहाँ पर ये प्ले स्टोर में आ जाए, 50% चांस लग रहा है कि आ सकता है और 50% चांस नहीं लग रहा है कि आ सकता है। बट यहाँ पर क्लाफ्टन अपने जो कैबिनेट के जो लोग हैं, जो टीम है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और सभी के साथ मतलब बातचीत करके मसला को हल करने की कोशिश हुए हैं। तो गाइज आई होप ये पूरा मामला आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी अगर कहेगा कि BGMI बैन हो गया है, तो कहना कि भाई बैन नहीं हुआ है, वो टेक डाउन हुआ है। ओके, और सर्वर तो भी चल मतलब कि बंद कर दिया गया है डाउनलोड के लिए, न्यू यूज़र के लिए। तो अगर जो न्यू यूज़र है वो लोग तो भाई डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बट आप लोग अगर डाउनलोड किए तो आप लोग गेम प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ पर डोंट वरी, आप लोग बस दुआ करना, और मेरे ख्याल से कैप्टन लोग यहाँ पर 15 अगस्त के अगर 15 अगस्त तक, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 15 अगस्त तक अगर ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अगर नहीं आया तो समझ लीजिए बैन हो गया। तो 14 दिन टाइम है और देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या आता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।